Good morning, student. Welcome to history class. So we have already started chapter 6, that is Bhakti Sufi traditions, changes in religious beliefs and devotional texts, that is from around 8th to 18th century, right? So as I told you, Bhakti Sufi, what is Bhakti Sufi? It is like a devotion. ठीक है, डिवोशन में चेंजेस आना, बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस रिलीजियस बिलीव और प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस आया था. कब आया था? फ्रॉम अराउंड 8th टू 18th सेंचुरी. सो बच्चों, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेकेंड सब टॉपिक. ओके, सो दैट इज पोएम्स ऑफ प्रेयर्स, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति. सो इन दैट सब टॉपिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अल्वर्स, नायनाज ऑफ तमिलनाडु, राइट? और अल्वर्स वगैरह कौन थे? अल्वर्स लॉर्ड विष्णु का फॉलोवर था, और नायनाज लॉर्ड शिवा का फॉलोवर्स था. ओके, सो लाइक अब ये अल्वर्स और नायनाज का कास्ट सिस्टम के लाइक टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा था, ठीक है? सो अल्वर्स वगैरह ने, नायनाज वगैरह ने, दे स्टार्टेड कंपोजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक पोएम्स. ओके, लाइक एंथोलॉजीज, ग्रंथ वगैरह उन्होंने कंपोज किया था. जैसे अल्वर ने किया था नलायरा दिव्या प्रबंधना, जिसको तमिल वेदा भी बोला जाता था. ओके, जैसे नायनाज ने क्या लाइक कंपोज किया था, उन्होंने तेवाराम कंपोज किया था. लाइक जैसे नलायरा दिव्या प्रबंधना को 12 अल्वर्स सेंट ने क्या किया था, कंपोज किया था. ऐसे करके तेवाराम, ठीक है, तेवाराम को भी 3 लाइक सेंट ने, जो नायनार के गुरु थे, वो अपर समंदर एंड सुंदर, उन्होंने कंपोज किया था. ठीक है, सो जैसे भक्ति ट्रेडिशन में वुमन डिवोटीज का भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, लाइक इमरजेंस हो गया था. बहुत ज़्यादा वुमन डिवोटीज वगैरह भी उठ के आए थे. ठीक है, जैसे वन इज अंडल, who is very like an extreme devotee of Lord Vishnu, and at the other hand from Nayanar, okay, Karaikal Ammayar, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, लॉर्ड शिवा के devotee थे. तो हमने चैप्टर लाइक प्रीवियस क्लास में वो डिस्कस किया. सो अंडर दिस सेम सब टॉपिक टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस न्यू पॉइंट, दैट इज अ रिलेशन विद द स्टेट. सो रिलेशन किसका रिलेशन? भक्ति ट्रेडिशन का रिलेशन विद द स्टेट. दैट मीन्स उस टाइम पे भक्ति ट्रेडिशन स्पेशली कहाँ पे फ्लरिश्ड हुआ था, स्पेशली साउथ इंडिया में. ठीक है, सो हमने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा कि बच्चों, चैप्टर सेकेंड में हमने पढ़ा कि जैसे लाइक उस टाइम पे किंगडम्स वगैरह बहुत ज़्यादा बने थे, स्टेट एम्पायर, डिफरेंट किंगडम्स. ऐसे ही करके स्पेशली सदर्न इंडिया में क्या हुआ था, लाइक छोटे छोटे चीफडम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुए थे, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो उस टाइम पे वहाँ पे सदर्न इंडिया में क्या, कौन सा लाइक चीफडम्स वगैरह डेवलप्ड हुए थे, जैसे पल्लवास, पांड्यास, राइट, चीरास, चोलास, ये चीफडम्स वगैरह डेवलप हुए थे. सो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या हुआ था, लाइक स्पेशली 6th to 9th सेंचुरी तक, ठीक है, सो लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को क्या किया था, स्पेशली पल्लवज एंड पांड्यास चीफडम में, कि रॉयल रिलीजन की तरह उनको लिया गया था. ठीक है, बिकॉज लाइक उस टाइम तक क्या हो गया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करने लगे थे. ठीक है, सो इसीलिए उस चीफडम में, लाइक उस किंगडम में भी राजा लोगों ने भी क्या किया कि ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को उन लोगों का क्या किया, लाइक रॉयल रिलीजन ही उन्होंने घोषणा कर दिया. ठीक है, कब किया? 6th to 9th सेंचुरी तक ये स्पेशली सदर्न इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, लाइक बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस में आ गया था. इवन वो रॉयल ट्रेडिशन बन, लाइक रिलीजियस ट्रेडिशन बन गए थे. ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि लाइक बाद में जाके, ओके, सो स्पेशली लाइक जो हिम्स वगैरह भक्ति ट्रेडिशन में, जो सेंट वगैरह, जो राइटर वगैरह, पोइट वगैरह, जो गुरु वगैरह होते थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा कंपोजिशन वगैरह लिखते थे भगवान के नाम पे. तो उस कंपोजिशन में उन लोगों को मिला कि लाइक वो लोग क्या कर रहे थे कि ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म को अपोज कर रहे थे. ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे थे. ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि बच्चों, आप किसको क्रिटिसाइज, आप किसको बुरा बुरा बोलोगे, क्योंकि मे बी you have some kind of enmity
आप किसी चीज़ से उस आदमी पे गुस्सा हो, या आपको किसी बात से उससे जेलेसी हो, या आपको उससे कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए तो आप उसको अपोज करोगे या उससे गुस्सा करोगे ना। तो हिस्टोरियंस ने भी लाइक दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये जो भक्ति ट्रेडिशन में ये जो अल्वर्स है, नयनज है, क्यों बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्या कर रहे हैं, अपने जो कंपोजिशन वगैरह में अपोज कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग टू डिग्रेड दिस बुद्धिज्म जैनिज्म। सो उन्होंने दे केम टू एन कंक्लूजन दैट कि मे बी दिस बिकॉज ये जो जैनिज्म थे, बुद्धिज्म थे, वो स्पेशली साउथ इंडियन साइड में रॉयल रिलीजन था, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था, तो इसीलिए मे बी दे वर जेलस, इसीलिए वो क्या उन्होंने क्या किया कि ये ट्रेडिशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, तो क्योंकि ये नयनार्स, ठीक है, ये अल्वर्स, वो भी क्या करना चाहते थे, रॉयल रिलीजन बनना चाहते थे, ओके, तो वो भी इम्पोर्टेंस गेन करना चाहते थे, मे बी इसीलिए ये स्पेशली अल्वर्स से भी ज़्यादा नयनार्स क्या करते थे, दे यूज टू लाइक शो हॉस्टिलिटी अगेंस्ट बुद्धिज्म एंड सॉरी टूवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ओके। सो फिर टाइम बीतता चला गया, ठीक है, और वो लाइक साउथ इंडिया में स्पेशली 9th to 13th century में चोला किंगडम क्या हो गया, पावर में आ गया, ठीक है, चोला चोला किंगडम पावर में आ गया, और चोला किंगडम क्या हुआ, चोला स्पेशली ये चोला जो किंगडम थे वो लोग जैनिज्म से ब्राह्म जैनिज्म से बुद्धिज्म से ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देते थे, ब्राह्मिनिकल ब्राह्मिनिक दे यूज टू सपोर्ट ब्राह्मिनिकल और भक्ति ट्रेडिशन, ओके, दैट मीन्स भक्ति ट्रेडिशन, विष्णु शिवा, ओके, तो ये लोग जैनिज्म बुद्धिज्म से ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देते थे, तो इसीलिए ये जो चोला किंगडम वगैरह था, चोला का राजा वगैरह था, दे हैव ग्रांटेड सो मेनी डोनेशंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया शिवा का, ठीक है, विष्णु का, जगह जगह पे बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मंदिर वगैरह बनाने लगे, डोनेशन देने लगे, ठीक है, ब्राह्मणस को दे यूज टू प्रेस करने लगे, ठीक है, ये जो भक्ति सेंट वगैरह है उन लोगों को क्या करने लगे, दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग अल्वर्स एंड द नयनज एज द देयर स्टेट रिलीजन, ऐसा करने लगे, ठीक है, ऐसे ही करके जो स्पेशली चोला रूलर्स ने क्या किया कि फ्यू एग्जांपल्स की उन्होंने क्या क्या डोनेशन करके क्या क्या बना बन बनाया था, स्पेशली ये चोला रूलर्स दे वॉर द ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है, तो इसी कारण उन्होंने क्या किया था, शिवा मंदिर बनाया था, कहाँ पे, तमिलनाडु में बनाया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ एवरी वन रिमेंबर दिस एंड अंडरलाइन इन योर बुक एज वेल, चिदम्बरम, ठीक है, एक शिवा टेम्पल है और गंगाईकोंडा, इट इज़ बोथ इन तमिलनाडु, तो ये शिवा टेम्पल को चोला रूलर्स ने बनाया था, उन्होंने इसको क्या किया था, फाइनेंस किया था, ठीक है, तो इसको ही सपोर्ट करके देयर इज़ ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल कि वो लोग कितना ज़्यादा क्या करते थे, दे यूज़ टू फॉलो, दे यूज़ टू वर्शिप नयनार्स, ओके, द चोला किंगडम, क्योंकि वहाँ से वन मोर एग्जाम्पल मिला था दिस, ओके, दिस इज़ अ लाइक दिस इज़ अ इमेज और स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिव, ठीक है, ये लॉर्ड शिव को दिस इज क्या इज इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रोंज, ठीक है, मेटल इस ब्रोंज से बनाया गया है, और ये शिव तो है पर इसको किस रूप में देखा गया है, नटराज, ठीक है, सो मैंने बोला था कि शिव का भी बहुत ज़्यादा अवतार था, जैसे हम शिव को क्या नाम से बुलाते हैं, महादेव से बुलाते हैं, ठीक है, भोलेनाथ से बुलाते हैं, जैसे कैलाशनाथ से बुलाते हैं, ठीक है, भैरवनाथ, ऐसे ही करके शिव को दूसरा नाम नटराज भी बुलाते, सो डियर स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो कि जो आर्टिस्ट का विजन है, ठीक है, इसमें कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उन्होंने कितना ज़्यादा उसमें क्या किया, अपना क्रिएशन एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नयनार्स आर्टिस्ट, ओके, सो नेक्स्ट इज, सो देखिए,
स्पेशली अब साउथ इंडिया में क्या हो गया कि साउथ इंडिया में लोग सिर्फ किंग राजा वगैरह ही नहीं पर कॉमनर्स, ठीक है। सो साउथ इंडिया में जो पीजेंस थे वो स्पेशली वल्लाल ग्रुप के थे, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अलवर्स और नयनास को प्रेस करने लगे, अडोर करने लगे, एडमायर करने लगे, ठीक है। सो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दिस एंड एवरीवन वाज फॉलोइंग नयनास एंड अलवर्स, ठीक है। सो देखिए अभी अभी लोग क्या करने लगे कि जो ये भक्ति सेंट है, ठीक है, दिस इज भक्ति सेंट फॉर एग्जांपल एंड दिस इज अ किंग, ओके। सो अब जो वहाँ पे जो किंगडम में जो लोग रहते थे, पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे स्टार्टेड फॉलोइंग एंड रेस्पेक्टिंग मोर दिस भक्ति सेंट रादर देन दिस किंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली राजा क्या होगा, जेलस भी होगा, एट द सेम टाइम उसका जो पोजिशन है वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और उसको डर भी हो जाएगा कि वहाँ से उसको हटाना दे। तो क्या किया कि उसने जो ही स्टार्टेड प्लेइंग लिटल बिट क्लेवरली, क्योंकि जो राजा था दिस इज अ किंग, ओके, वो क्या करने लगा कि ये जो भक्ति सेंट था, इट कुड बी बोथ द अल्वर्स एंड द नयनास, उसको क्या डोनेशन देने लगा, उसके नाम पे मंदिर बनाने लगा, उनके नाम पे बहुत ज़्यादा क्या करने लगा, बहुत ज़्यादा लाइक स्पॉन्सर पैसा वगैरह फाइनेंशियली हेल्प करने लगा, ठीक है। तो जगह जगह पे मंदिर बनाने लगा, ठीक है, और मंदिर में भगवान का मूर्ति वगैरह, एट द सेम टाइम सिर्फ मूर्ति, भगवान का मूर्ति नहीं, ये राजा क्या करने लगे, ये राजा ये जो सेंट होता था भक्ति सेंट का, उनका भी स्टैचू वगैरह बना के वही मंदिर में, जो वो मंदिर में रहते उन वही मंदिर में उन जो सेंट वगैरह डिबोटिस वगैरह का भी, भक्त का भी मूर्ति वगैरह बना के रखने, क्योंकि वो राजा ये जो भक्ति गुरु था, सेंट था, उनको खुश बनाना चाहता था। क्योंकि आपने देखा होगा कि वैदिक ट्रेडिशन में जो वगैरह था, राजा को क्या बोलते थे, राजा को बोलते थे ये दे आर द डिवाइन किंग, लाइक भगवान ने ही क्या किया है, उन लोगों को भेजा है। सो ये राजा भी वही क्या क्लेम क्या करना चाहता था, रियलिटी बनाना चाहता था कि किसके थ्रू, ये भक्ति सेंट के थ्रू, वो भी क्या करना चाहता था कि उनको भी वो पोजिशन मिले कि ही इज ऑल्सो द डिवाइन किंग, ठीक है। सो इसीलिए उनको खुश बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, डोनेशन वगैरह देते थे, मंदिर वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही करके लाइक जब क्या कहोगे पॉपुलेशन क्या करेंगे, भक्ति सेंट वगैरह को ज़्यादा फॉलो करेंगे, यही जो पॉपुलर ये लाइक गुरुजी वगैरह का, महाराज वगैरह को राजा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ऑब्वियसली गुरुजी भी राजा को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, नहीं राजा को सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो पब्लिक था वो भी राजा को सपोर्ट करेगा। सो दिस वाज अ क्लेवर स्टेप टेकन बाय दिस रूलर, ठीक है, एक तरह से देखे तो ऐसे ही करके ये रूलर वगैरह क्या करने लगे कि दे स्टार्टेड लाइक आई टोल्ड यू कि डोनेशन वगैरह देने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक मंदिर वगैरह बने, तो उन्होंने क्या ट्रेडिशन भी कहा कि आई विल फाइनेंस यू, आप क्या करो, आप कंपोजिशन करो, लाइक पोइम्स वगैरह लिखो, भजन वगैरह लिखो। तो ऐसे ही करके ये चोला किंग्स वगैरह ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि आप क्या करो, लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रोत्साहन मिलने के बाद क्या किया कि स्पेशली जो नया दे कंपोज तेवाराम, आपको पता है ना टेक्स्ट तेवाराम कंपोज किया, ठीक है। तो लाइक अराउंड लाइक 10th century, ठीक है, 10th century में देयर वाज एन एविडेंस मिला है कि लाइक जो चोला किंग था जिसका नाम था परंटंका फर्स्ट, डोंट प्लीज एवरीवन रिमेंबर दिस, वो चोला किंग था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंसेक्रेटेड, ओके, उसका मतलब था कि जो चोला किंग राजा वगैरह मंदिर वगैरह में फाइनेंस करते थे, उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने ये 10th century में जो अपार थे, जो क्या थे ये अपार समंदर एंड सुंदर, जो नयनार के बहुत ज़्यादा माने हुए डिवोटी और सेंट थे, उनका भी क्या किया, स्कल्पचर बना दिया। और जो शिव टेम्पल बनाया था, शिव टेम्पल में उसके टेम्पल मंदिर के सामने उनका भी स्टैचू रख दिया, ठीक है, उनको क्या करके प्रेस करके और उनको ऑनर करके, ठीक है। सो डैट जब भी ये लाइक जब भी ईयर में क्या होता है, ईयरली एनुअली क्या होता है, वहाँ पे पूजा वगैरह होते थे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, रथ यात्रा निकालते थे, ठीक है। तो रथ यात्रा में ये जो सेंट वगैरह का इमेजेस वगैरह को भी क्या करते थे, प्रोसेशन में रथ यात्रा में एक बार घुमाते थे। सो दिस आर वॉज द रिलेशन बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड द स्टेट। सो देखिए यहाँ पे कैसे क्या हो गया,
रिलेशन सेटअप होता था, ठीक है। सो दिस आई होप आपको ये रिलेशन कैसे बिल्ड होता था, ठीक है, ये ट्रेडिशन कैसे लाइक पॉपुलर होता था, राजा लोग क्या क्या करते थे, ठीक है, सपोर्ट पाने के लिए। तो दिस वॉज ऑल द लाइक पॉइंट्स ओके फॉर टुडे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू सब टॉपिक ओके, दैट इज द वीरा शिव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। ओके सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।